दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज इस साल भारत में होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। जिम्बाब्वे में खेले जा रहे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के एक अहम मुकाबले में वेस्टइंडीज को स्कॉटलैंड ने 7 विकेटों से हरा दिया। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड के सामने 182 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे स्कॉटलैंड ने 39 गेंद रहते ही हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाना कैरेबियन क्रिकेट के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक है। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 43.5 ओवर में सिर्फ 181 रन बोर्ड पर लगाए। विंडीज की ओर से जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड ने कुछ संघर्ष किया, हालांकि इन दोनों के अलावा बाकी टीम कुछ खास नहीं कर पाई। जेसन होल्डर ने 89 गेंदों में 45 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 सिक्स शामिल था। वहीं शेफर्ड ने 5 चौकों की मदद से 43 गेंदों पे 36 रन की पारी खेली। स्कॉटलैंड की ओर से ब्रैंडन मैकमुलन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए, वहीं क्रिस सॉल, मार्क वॉट और क्रिस ग्रीव्स ने 2-2 विकेट चटकाए और क्रिस ग्रीव्स को 2-2 सफलता मिली। आपको बता दें कि भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमें खेलेंगी। 8 टीम तो इस टूर्नामेंट के लिए अपनी जगह पक्की कर चुकी थी, वहीं 2 अन्य टीम विश्व कप क्वालिफायर के जरिए टूर्नामेंट में जगह बनाएंगी, जो अभी जिम्बाब्वे में खेला जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। बाकी क्रिकेट जगत की खबरों से जुड़े रहने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें।